नया बस स्टैंड टीकमगढ़ परिसर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्था एवं यातायात पुलिस के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएल चौरसिया जी एवं ब्रह्म कुमारी संस्था से बहन प्रेम रेखा, बहन माया एवं श्री आरएस चौबे जी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा बस एवं ऑटो चालकों को यातायात के नियम पालन करने के साथ ही सड़क पर व्यवहार एवं वाणी के नियंत्रण किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमएल चौरसिया जी के द्वारा चालकों को यातायात के चिन्हों को समझाकर सुरक्षित गति में वाहन चलाने की समझाइश दी गई। साथ ही वाहन चलाने के पूर्व वाहन का परीक्षण किए जाने एवं यातायात के नियम पालन करने की अपील की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जाना है, जिसके लिए बस एवं ऑटो चालकों को सड़क पर चलते हुए तनाव प्रबंधन एवं सड़क पर मानव व्यवहार किस तरह किया जाना चाहिए समझाया गया। साथ ही महिलाओं एवं बच्चे बुजुर्गों से मधुरता से वार्तालाप करने सम्मान देने का वचन लिया गया। नशे की कोई भी नशे की आदत जीवन के लिए अच्छी नहीं है। आप इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके धन को अर्जित करते हैं, उस धन को आप बीड़ी और सिगरेट के धुएं में उड़ा देते हैं। आप गुटखा और तंबाकू में थूक देते हैं, शराब में उसे पानी की तरह बहा देते हैं। ये कहां की समझदारी है? एक तरफ तो आप पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, खून को पसीना बनाकर के बहा देते हैं, और दूसरे तरफ पैसे को पानी की तरफ आप खर्च कर देते हैं। प्यारे भाई बहनों, इस धन पर आपका, आपके परिवार का हक है, उनकी सुख सुविधाओं को प्रदान करना आपका दायित्व है, कर्तव्य है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत समाज के 20 प्रभाग बने हुए हैं, उसमें से यातायात प्रभाग भी हमारा एक है, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रम को करके हमारे उन भाइयों को, जो ज्यादा समय घर से दूर रहते हैं, जो बसों के द्वारा या अन्य रोड पर चलने वाले साधनों को लेकर के, ड्राइवर से अनुरोध है कि जो वाहन जो भी चलाते हैं, वाहन का रखरखाव सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उसका ब्रेक, उसका जो है आयल, गेज, टायर में प्रॉपर हवा और जो भी अन्य स्टीयरिंग या जो भी अन्य कलपुर्जे होते हैं, स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि गाड़ी ओके है। जब हम चलाते हैं उससे पता चल जाता है कि गाड़ी भाग तो नहीं रही, इसके स्टीयरिंग सही काम कर रहा है। ड्राइविंग करते समय बात मत करें, नियमों का थोड़ा जानकारी रखें, रोड के हिसाब से गाड़ी चलाएं। उतावला जो है, कुत्ताने काम नसाने धीरज धरो सयाने, समझे कि नहीं? हाट में जो काम करोगे, चाहे गाड़ी हो या कोई धंधा हो, तो काम बिगड़ेगा और धैर्य रखोगे सब आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक जो है गाड़ी चलाएं, अच्छे हादसे सीखे और जो कर सकेंगे। तो जो भी नियम है, चाहे दो पहिए वाहन पर आप चल रहे हैं, हेलमेट को पहनना आपके लिए भी आवश्यक है और दूसरे के लिए भी। आप मोबाइल फोन का प्रयोग चलती हुई वाहन में ना करें, चाहे कार में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं या दो पहिया वाहन पर चल रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बात, आपके भाव कैसे बन रहे हैं, और भाव के बनते ही आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, उसमें भटकाव आ जाता है। जो आपका ध्यान है वो अपने लक्ष्य से, अपने कार्य से हट जाता है, और इसके कारण भी कई बार दुर्घटनाएं जीवन में हो जाती हैं। नशीले जिन पदार्थों का सेवन करते हुए आप अपने कार्य को करते हैं, कहीं ना कहीं वो नशीले पदार्थ रहता है।
तो जितने हमारे विचार सकारात्मक होते हैं उनमें शांति है, और जितने नकारात्मक है उनमें बहुत तीव्रता है, गति है। तो प्यारे भाई बहनों, आप जब अपने जीवन की रक्षा करेंगे तो आप सड़क पर भी उतने ही ध्यानपूर्वक सड़क के नियमों का पालन करते हुए